महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सारी सेना समाप्त हो चुकी थी। कुंती के 100 पुत्र भी मारे जा चुके थे। कुंती वियोग के कारण अपने कमरे में रो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस निकल रही थी। इन सभी का वो कारण श्री कृष्ण को मानती थी। वह श्री कृष्ण से इस बात का बदला लेना चाहती थी, वह उन्हें श्राप देना चाहती थी। श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे। हस्तिनापुर छोड़ने से पहले वह माता कुंती के पास आए और उनका चरण स्पर्श किया। कुंती ने वासुदेव से पूछा, हे वासुदेव, मैं जानती हूँ ये जो महाभारत हुई है इसमें पांडवों का कोई हाथ नहीं है। जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुमने किया है। मुझे तो सिर्फ ये एक बात बता दीजिए, क्या ये महाभारत रुक सकती थी? क्या ये मारकाट रुक सकती थी? क्या मेरे 100 पुत्र बचाए जा सकते थे? श्री कृष्ण वासुदेव बोले, हाँ माते, ऐसा हो सकता था। मैं चाहता तो ये युद्ध रुक जाता, पर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। कुंती और क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, हे वासुदेव, जिस प्रकार से मेरे कुल का विनाश हुआ है मेरी आंखों के सामने, ठीक उसी प्रकार यादवों का भी ऐसे ही नाश हो जाएगा। आपके कुल का भी नाश ऐसे ही हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। यादवों का सर्वनाश हो गया, उनका भी कोई पुत्र नहीं बचा श्री कृष्ण का, जिस प्रकार से कौरवों का भी कोई पुत्र नहीं बचा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदेव और आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअल साइंस, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म की बातें करेंगे और उस परम शक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके मार्ग में जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज का विषय है श्राप और वरदान। क्या हमारे श्राप और वरदान सच होते हैं? क्या किसी का कहा गया कि जा मैं तुझे श्राप देता हूँ तेरे साथ ये हो जाए, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू ये बन जाए, क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं? आइए इसके ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। मन के 4 तल होते हैं, चेतन, अवचेतन, कॉन्शियस अवचेतन और कॉन्शियस चेतन, यानी कि इन 4 भागों में से होकर हमारा मन गुजरता है। हम सारा दिन जिस बात घूमते फिरते हैं वो किस मन के जरिए होता है? वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड की वजह से। और रात को जो हम सपने देखते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड से। अब इन 2 तलों के बारे में हम जानते हैं, पर हम जो 3रा तल है कॉन्शियस कॉस्मिक अनकॉन्शियस के बारे में, इस बारे में हम नहीं जानते हैं। कॉस्मिक अनकॉन्शियस एक ऐसा तल है जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पहुँच जाए तो वहाँ पर जाकर वह किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान देख सकता है। तो यहाँ से बात आती है श्राप और वरदान की। कोई श्राप नहीं होता है, कोई वरदान नहीं होता है। जो आपके साथ होना होता है, जो संत पुरुष उस तल के ऊपर पहुंच जाते हैं वहां पर जाकर वह सब कुछ देख सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो चुका है या जो आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। इस संदर्भ में आपको साथ एक कहानी शेयर करने लगा हूँ भगवान महावीर की। भगवान महावीर और मखली गोशाल। मखली गोशाल जो था वो महावीर का ही एक शिष्य था। वह महावीर से थोड़ी सी ईर्ष्या रखता था, क्योंकि जब 24वें तीर्थंकर की खोज हो रही थी तो मखली गोशाल भी उसमें एक कंटेंडर था, यानी कि वह भी एक उम्मीदवार था तीर्थंकर के लिए। पर महावीर को तीर्थंकर बना दिया गया और श्री मखली गोशाल जी को उनका शिष्य बनना पड़ा। तो इस बात की उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या थी, गुस्सा था कि मैं महावीर के योग्य हूँ पर फिर भी मुझे तीर्थंकर नहीं बनाया गया।
इस बात की खुंदक वो हमेशा निकालते रहते थे और किसी न किसी तरीके से उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे, पर हमेशा वो फेल होते थे। इसी प्रकार क्या हुआ, महावीर और श्री मखली गोसाल किसी दूसरे गांव में कोई प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। तब रास्ते में उन्होंने देखा एक छोटा सा पौधा, और विश्राम करने के लिए रुके तो मखली गोसाल ने देखा एक छोटा सा पौधा वहाँ पर लगा हुआ है। तो उसने महावीर से बोला, भगवान जो ये पौधा है क्या ये बड़ा होकर फल दे पाएगा, ये अपनी चरम परिधि तक पहुंच पाएगा। महावीर ने अपनी आंखें बंद की, कुछ समय के लिए शांत हुए और उस तल पर गए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कॉस्मिक अनकॉन्शियस की। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा और अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा, हाँ वत्स, यह पौधा अपनी चरम परिधि तक पहुँच जाएगा। मकड़ी गोशाल खुश हुआ। उसने क्या किया, उसने उस पौधे को जोर से उखाड़ा और दूर कहीं पर फेंक दिया। महावीर ये सब जानते थे, वो कुछ नहीं बोले, वह चुपचाप चले गए और दूसरे गांव जाकर प्रवचन देने लग गए। उस समय वहां पर बहुत ज़्यादा बारिश आई और उनको 3-4 दिन वहीं पर रुकना पड़ा। जब 3-4 दिन के बाद महावीर और मकली गोशाल वापस आए तो बारिश की वजह से जो वो पौधा उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था मकली गोशाल ने, वो दोबारा से वहाँ पर आकर उसी जगह पर आकर लग गया। और यह बात देख के मकली गोशाल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ कि मैंने भगवान की बातों के ऊपर शक किया। अब यहाँ पर बात आती है कि उनको कैसे पता चला कि यह पौधा अपने चरम परिणति तक पहुँच जाएगा कि नहीं, क्योंकि महावीर उस समय जिस समय मखली गोशाल ने कहा था कि देखकर बताइए कि क्या ये अपनी चरम परिणति तक पहुंच जाएगा, तब महावीर ने आंखें बंद कर उस कॉस्मिक अनकॉन्शियस के तल पर जाकर उस पौधे का भूत और भविष्य और वर्तमान सभी देखा। और उन्होंने देखा कि ये एक दिन जाकर एक फलदार पेड़ बनेगा, तो उन्होंने ये बात कही। इसी प्रकार से जो हमारे संत जन होते हैं, जो उस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर वह किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं, वह चाहे तो वो आपको बता सकते हैं और चाहे तो वो उसके लिए शांत बैठ सकते हैं। सिर्फ भविष्य के ऊपर वो कहते हैं कि आप भविष्य में इसका आपको पता चल जाएगा, पर कई लोगों के आग्रह के ऊपर वह उन्हें बता भी देते हैं कि आप IAS बनोगे कि आप नहीं बनोगे, आपकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमने ये सब का बातें देखी हैं। ये बातें ज्योतिषी के जरिए भी, ज्योतिष विज्ञान के जरिए भी बताई जा सकती हैं, परंतु वो बात किसी दिन और करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इस बात का खुलासा करना था कि श्राप और वरदान ऐसे कोई नहीं दे सकता है। जो व्यक्ति उस तल तक पहुँचा हो, जो व्यक्ति उस कॉस्मिक अनकॉन्शियस को जिसने छू कर आया हो, वह व्यक्ति ही उस लेवल पर जाकर पहुंच सकता है। उस कॉन्शियस तक, कॉस्मिक अनकॉन्शियस तक कैसे पहुंचेंगे, इसको हम किसी और विषय किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तब तक उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस, हमारे आने वाले पॉडकास्ट आप अच्छे तरीके से सुन सकें। धन्यवाद।